इस खबर के प्रायोजक है जेके ऑप्टिकल्स। जेके ऑप्टिकल्स में आपको कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग के साथ वाइड रेंज ऑफ स्पेक्स, कॉन्टेक्ट लेंस और गॉगल्स मिलेंगे। एड्रेस शॉप नंबर 1, महावीर अपार्टमेंट नियर पायल टॉकीज, ओल्ड थाने रोड, भिवंडी। एमआईएम को छोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा में भारी संख्या में युवकों ने किया प्रवेश। विशेष तौर पर रुक करते हैं भिवंडी के बंजार पट्टी नाका, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा भिवंडी सर जिला अध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में कई युवकों को नियुक्ति पत्र के साथ में पार्टी में किया गया प्रवेश। हम आपको बता दें कि दिलशाद मोमिन जो कि एमआईएम में थे, इन्होंने एमआईएम को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा का दामन थामा और इन्हें भिवंडी शहर के सचिव के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया। तो वहीं पर मुख्तसिद अंसारी को प्रभाग 5 का अध्यक्ष चुना गया, ग्यासुद्दीन खान को वार्ड नंबर 19 का अध्यक्ष बनाया गया, लरवेश खान को संयुक्त सचिव के रूप में भिवंडी शहर में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वहां पर युवकों का एक जमावड़ा दिखा। विशेष तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के युवा अध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में सारे लोगों को नियुक्ति का पत्र दिया गया और इन्हें नियुक्त किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं उनके सहयोगी सुल्तान सिद्दीकी जो कि भिवंडी शहर युवा के महासचिव हैं, जाहिद शाह उपाध्यक्ष हैं, शारिफ अंसारी जो कि प्रवक्ता हैं युवा के। विशेष तौर पर आपको बता दें कि सभी का मानना यह था कि आसिफ खान जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, इनका जो कार्य है भिवंडी शहर में जमीनी स्तर पर है, इसलिए सभी युवकों ने उनका दामन थामा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, साहेब जिंदाबाद, शरद पवार साहेब जिंदाबाद, महबूब शेख साहेब जिंदाबाद, महबूब शेख साहेब जिंदाबाद, पवार साहेब जिंदाबाद, भगवान डोरे साहेब जिंदाबाद। इससे पहले मैं पार्टी में था और मुझे अभी मैं राष्ट्रवादी में आज शामिल हुआ हूँ। आसिफ भाई की जो पार्टी में जो उनकी काम करने का जो तरीका है मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं एमआईएम से निकल के राष्ट्रवादी में आज शामिल हुआ। और जो इनकी टीम है युवा है और अच्छा काम करेंगे शहर में, इसलिए इनके साथ मिलकर मैं शहर के अंदर कुछ काम करूँगा। और जो मेरे काम है जो शहर के अंदर जो विकास नहीं हो रहा है, राष्ट्रवादी पार्टी उसको विकास करना चाहती है, इसलिए मैं इनके साथ शामिल हुआ। भिवंडी में मैं युवा पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन इसलिए किया हूँ क्योंकि आसिफ भाई का जो काम है वो शहर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और युवा के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ और ताकि शहर का विकास हो सके। राष्ट्रवादी पार्टी बहुत अच्छी है, भिवंडी में बहुत अच्छा काम है, इसको जिसमें मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। आसिफ भाई बहुत अच्छे हैं और उनका काम देखते हुए मैं राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। राष्ट्रवादी पार्टी आसिफ भाई की वजह से ज्वाइन किए हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं राष्ट्रवादी पार्टी। युवकों का एक लगातार आसिफ भाई के नेतृत्व में जो प्रवेश करते जा रहे हैं, क्या कहेंगे युवकों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भिवंडी शहर के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, क्या जो नगर सेवक है वो इस कदर युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं। अभी हमारे पास दिलशाद अंसारी साहब आए, उन्होंने अपनी बात रखा कि हमने उप महापौर, महापौर के ऊपर सलाटर हाउस को लेके इतना मुद्दा उठाया, लेकिन एमआईएम पार्टी ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। उनको मैं जो हमारे युवा जो ज्वाइंट हो रहे हैं, दिन पे दिन हमारा पर डे प्रवेश होता है युवाओं का हमारे बॉडी में, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि युवा बॉडी, हम लोग राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी के लोग उनके साथ खड़े हैं। उनका सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज जितने लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया और जितने लोगों को पद वाटप किया गया, उन सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सभी लोग का मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात ऐसा है कि जो भिवंडी शहर में आज हमारे युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशा के या इसके उसके बहकावे में आज पूरा मतलब धर्म भरम का मामला दिखा हुआ नज़र आ रहा है। एजुकेशन की बात करो तो हमारा एजुकेशन आज देखा जा रहा है तो भिवंडी शहर में ज़ीरो है। 10वीं 12वीं के बाद जो है युवाओं को कहीं ना कहीं गैरेज पर या कहीं ना कहीं काम करने लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारी मानसिकता उस तरीके से बन गई है। आज जो हमारे पार्टी के अंदर जो युवाओं को लेकर के काम किया जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और जो यहाँ के जो वातावरण जो फैला हुआ है युवाओं को लेकर के, इसके ऊपर हम राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इसी ध्यान को मतलब मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जितने भी भिवंडी शहर के युवा इस तरीके के मतलब इसमें मुलविस हुए, उन सभी का निवारण बहुत जल्द से जल्द हम लोग करने की कोशिश करेंगे।